अगर एक हम काम करें तो हर इंसान में अच्छाइयां भी हैं और क्या बुराइयां भी, हर इंसान। अगर एक काम हम करना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी से बुराइयां निकलनी शुरू हो जाएंगी, हमारी जिंदगी से बुराइयां एकदम नहीं निकलेंगी, एकदम लेकिन निकलना शुरू हो जाएंगे अगर एक काम करना शुरू। वो काम क्या है? रोजाना 5 मिनट निकालो, 10 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, शाम को, रात को सोने से पहले अकेले बैठो और रात को बैठकर अपना मुहासबा करो। अपना क्या करो भाई? मुहासबा करो, आज सारा दिन मैंने क्या सही काम किया, क्या गलत काम किया, क्या सही बोला, क्या गलत बोला, क्या सही देखा, क्या गलत देखा, क्या सही सुना, क्या गलत सुना, आज मैंने सारा दिन क्या क्या गलत काम किया, क्या क्या मेरे से गलती हो गई। गलतियां होती है कि नहीं होती है? होती है, गीबत हो जाती, कहीं चोली हो जाती, कि किसी को आदमी कह देता ना हो गया कह देता भाई क्या कह दिया तुमने, किसी के बारे में बात हो रही होती ना, वो फुला मेरा कल आ जाएगा, बस ठीक ना ये कह देते ना। बस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बस सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा, सफिया का कद था छोटा, सफिया का कद छोटा था, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सफिया के बारे में कह दिया नहा कसीरा, ये तो ठीक नहीं है, ये तो क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा तुमने ऐसा जुमला बोला है अगर ये समुंदर में डाल दिया जाए तो परवाह हो, ऐसा जुमला बोला। आदमी बातों बातों में ऐसी बात कह देते हैं जो बहुत गलत बात होती है, उसे नहीं कहनी चाहिए, किसी पे तंज कर देते, किसी का मजाक उड़ा, तो मजाक उड़ा देते। साफ कुरान में आता है ऐ ईमान वालों किसी का मजाक ना उड़ाए, किसी को हकीर समझ दे, तकब्बुर का बोल बोल दे, मैं अगर हम रोजाना 10 मिनट रात को सोने से पहले बैठकर अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी गलतियां जमा करें, आज मेरे से क्या क्या गलती हुई, और फिर नियत करें कि मैंने इस गलती को अपनी जिंदगी से निकालना है, तो रोजाना कुछ गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, रोजाना कुछ गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। एक महीने में कई गलतियां निकल जाएंगी, 2 महीने में कई गलतियां निकल जाएंगी, 1 साल में कितनी गलतियां निकल जाएंगी। दुनिया का सबसे आसान काम है किसी की गलती पकड़ना, और सबसे मुश्किल काम है अपनी गलती पकड़ना, अपनी गलती पकड़ना, अपनी गलती को पकड़े हम कहां गलत कर रहे हैं। आज इसे देखो, सारी जिंदगी कभी नमाज नहीं पढ़ता, सारी जिंदगी क्या है वो उसी में नजर नहीं आता, सारी जिंदगी गाने सुनता है, सारी जिंदगी गाली देता है, सारी जिंदगी झूठ बोल रहा है, उसके सामने चूहे का गोश्त तक आएगा, वो आएगा नहीं खाएगा, क्यों? क्या कहेगा? ये क्या है? हराम है तो झूठ बोलना, झूठ बोलना क्या, गाली देना, गीबत करना, किसी को हकीर समझना, तकब्बुर करना, गलत देखना, मोबाइल पे 70-80-90% लोग गलत देखते हैं, एक आदमी सारी जिंदगी शराब पीता है, 40 साल से शराब पी रहा है, उसके सामने कुछ सूअर का गोश्त रखते कभी नहीं खाए, तो
कुत्ते का गोश्त रखो कभी नहीं खाएगा, गधे का गोश्त रखो कभी नहीं खाएगा, क्या कहेगा? हराम है। तो शराब क्या है? आदमी जिस गुनाह को करता रहता है करता रहता है करता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से उस गुनाह की कबाहत खत्म हो जाती है, उसकी बुराई का एहसास, उसके हराम होने का एहसास। चोर है ना, चोर है ना, चोरी करता है, ऐसा कौन सा है उसके पास? चोरी का है। और गोश्त कौन सा तलाश करेगा? गोश्त कौन सा तलाश करेगा? हलाल का। चोरी के पैसे जो हराम का पैसा है उससे भी गोश्त कौन सा तलाश करेगा? हलाल का। हराम काम नहीं करना चाहिए ये आदमी को पता है, लेकिन क्या क्या हराम है, क्या क्या हराम है, ये एहसास खत्म हो गया। जिस गुनाह को आदमी 10 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, गुनाह कभी जा रहा है, उसको एहसास ही खत्म हो गया। क्या क्या गलत चीजें हैं पता करो मेरे भाइयों, क्या क्या हराम के दर्जे की चीजें हैं पता करो मेरे भाई। हराम से बचे, हराम से क्या करें? देखो ना, ये कितने साथी बैठे हुए, 20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 30 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन दाढ़ी मुड़ा रहे हैं। दाढ़ी क्या कर रहे हैं? क्यों मुड़ा रहे हैं? उनको एहसास खत्म हो गया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, हराम काम कर। जैसे चोर हराम के पैसों से हलाल का गोश्त खरीद, हराम का वो कुत्ते का गोश्त नहीं खाता, लेकिन चोरी कर रहा है, क्योंकि 10 साल से चोरी कर रहा है, तो चोरी के गुनाह का एहसास उसके अंदर से क्या हो गया? अभी जो दाढ़ी मुड़ा रहे हैं उनके अंदर से एहसास क्या हो गया? ये जो अक्सरियत जो बैठी हुई है इस वक्त, अक्सरियत जो बैठी हुई है बगैर टोपी के बैठी हुई है, ये किसी शादी में आए हैं या मस्जिद में आए? क्यों भाई? ये किसी फंक्शन में आए कि नमाज पढ़ने आए? हैं? बगैर टोपी के क्यों आए? ठीक है, टोपी पहनना कोई फर्ज नहीं है, टोपी पहनना कोई वाजिब नहीं है, बस ठीक है, लेकिन अल्लाह के नबी को पसंद है, अल्लाह के नबी को, अब्बा जी को चाय पसंद है, अब अब्बा जी से कहते हो अब्बा जी चाय पीना फर्ज है, लस्सी पिलाओ, अब्बा जी को चाय पिलाओगे कि लस्सी पिलाओगे? जो अब्बा जी को पसंद है, तो अम्मा जी को, अल्लाह के नबी को टोपी के साथ रहना पसंद है कि टोपी के बगैर पसंद है? अल्लाह के नबी को क्या पसंद है? वही पसंद है ना, टोपी क्यों नहीं पहनते? एहसास खत्म हो गया। हुजूर सल्लम के बारे में आते हैं, आप हमेशा टोपी पहनते, और सिर्फ टोपी नहीं पगड़ी, पगड़ी आपकी दाइनी सुन्नत में से। आदमी जिस अमल को छोड़ते रहते हैं ना, उसमें से सांस खत्म हो जाता है। अच्छा, अब मसला क्या है? जो बात करता है वो क्या है? आज निशाना बन जाता है। जो कहते हैं मौलवी साहब सख्त बात, मेरे भाइयों देखो, अपनी गलतियां पकड़े, अपनी क्या पकड़े? गलतियां पकड़े, अपनी जिंदगी से गलतियां निकालें, गलतियां निकालें, अपनी जिंदगी में अच्छाइयां लेकर आए, अच्छाइयां लेकर आए। 10 मिनट अपना मुहासबा कर लो, चलो 5 मिनट अपना मुहासबा कर लो, कभी किसी अल्लाह वाले से बैठकर पूछो
यार मेरी जिंदगी में क्या क्या गलत चीजें, मुझे बताओ, उनको नोट कर लो, फिर अपनी जिंदगी से गलत चीजें निकालना शुरू करो, निकालना शुरू करो। एक निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई, चौथी निकल गई, तो एक साल, दो साल, तीन साल जिंदगी से गलतियां निकल जाएंगी। तो कौन कौन कोशिश करेगा भाई? वो बातें ध्यान की आज इतनी। पहली बात, हदीस सुनाई, हदीस सुनाई, जो 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ लेगा, 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ लेगा, पांचों नमाज मस्जिद में जमात से तकबीर उला से, अल्लाह पाक उसे दो परवाने अता फरमाएंगे, एक जहन्नम से छुटकारा और एक निफाक से। अगर किसी ने हिम्मत करके 40 दिन तकबीर उला से मुसलसल पांचों नमाजें पढ़ ली, क्या है, तकबीर उला से नमाज पढ़ना उसका मिजाज बन जाएगा, उसकी तबीयत बन जाएगी, उसकी जिंदगी का रुख सही हो जाएगा, वक्त की पाबंदी आ जाएगी, अमल का एहतमाम आ जाएगा, उसकी जिंदगी से सुस्ती निकल जाएगी। सुस्ती देखो, अगर आपकी ट्रेन 4 बजे और आप पहुंचे 4:01 पे, कितना लेट हुए, 1 मिनट, और नुकसान कितना हुआ, नुकसान निकल गए। ये नहीं कहना कि जी 1 मिनट की क्या होता है, उतारना खासकर किसी की फांसी है सुबह 5 बजे, किसी की फांसी है सुबह 5 बजे, अब उसके आर्डर कैंसिल हो गए फांसी के, जो बंदा इतला लेकर पहुंचा है कि फांसी के आर्डर कैंसिल हो गए हैं, वो 1 मिनट लेट हो गया, कितना लेट हुआ, और 1 मिनट लेट होने से नुकसान कितना हुआ, बंदे की जान, 1 मिनट का ये नुकसान होता है। ये जो 40 दिन तकबीर से नमाज पढ़ना है ना, ये बंदे की जिंदगी से सुस्ती को खत्म करना है, सुस्ती लाना है, एहतमाम लाना है, वक्त की पाबंदी लाना है, अमल का शौक लाना है। ये सारा मजमा नियत करे कि हिम्मत करके 40 दिन मुसलसल तकबीर से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पक्का आजम किस किस का है? पक्का आजम बरकत के लिए नहीं, पक्का आजम कब से शुरू करेंगे भाई, कब से, अभी जुमे से, अगर आज से शुरू कर लें, आज क्या तारीख है, मुहर्रम और सफर की 10 तारीख को 40 नमाजी क्या हो जाएंगे, 40 दिन करेंगे ना इंशाअल्लाह। पक्का आजम रखना है, गड़बड़ नहीं कर, गड़बड़ शैतान ने भी जोर लगा, मुकाबला किससे, उसने एंड टाइम पे कोई काम डाल देना, पक्के रहना है। ये सारे फजर में कहां आएंगे, जोर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, अगर आप बाजार में तो बाजार की मस्ती में, कहीं गए हुए तो वहां की जो मस्ती है वहां पर, लेकिन 40 दिन मुसलसल तकबीर उला से नमाज पढ़ना, एक बात। दूसरी बात क्या कि देखो, हर इंसान की जिंदगी में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, अपनी जिंदगी से गलतियां निकालो। उसके लिए क्या करो, 10 मिनट क्या कर लो, चलो 5 मिनट रोजाना क्या कर लो, मुहासबा, अपना मुहासबा खुद करो, अपने आप से पूछो, आज तुमने क्या क्या गलत बोला है, क्या गलत देखा है, क्या गलत सुना है, सुबह से शाम तक क्या किया है, क्या क्या तेरी जिंदगी में गलतियां हैं, एक एक गलती को पकड़ के निकालना शुरू करो, अपनी जिंदगी से गलतियां निकालना शुरू करो। रोज एक दो गलतियां निकलेंगी, रोज एक दो गलतियां जिंदगी से निकलती जाएंगी, 1 महीने में 2 महीने में गलतियां निकल जाएंगी। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, जिसकी नेकियां बढ़ गई है तो क्या हो गया, अमन सकुलत मवाजीन हो, ओला एक उमल मुफले हो, इसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, ये कौन है, हम जाओ तो सब करेंगे ना इंशाल्लाह।